देखिए, 17-18 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है, जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है, और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, और 8 साल लगे बनने में। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आम बात हो चुकी है, नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना। आपको याद होगा, ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे एक दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया। और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा, बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? कितने घोटाले हुए नीतीश कुमार जी के राज में। हमने जब 55 घोटाला बोला है, 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं, तो वो घोटाले का हमने जिक्र किया है जो कि सरकार ने बकायदा उन घोटालों को माना है कि घोटाले हुए हैं, चाहे शौचालय घोटाला हो, सृजन घोटाला हो, सात निश्चय घोटाला हो, धान घोटाला हो, बियाडा घोटाला हो, बड़े बड़े ऐसे जितने घोटाले लगभग 15 साल में नीतीश कुमार जी ने 55 घोटाले किए। और अगर आरसीपी टैक्स देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस पुल में जो सुनने को आ रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है कि ये टूटा क्यों, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है जो प्रोटेक्शन, जो पिचिंग काम जो होना चाहिए था वो इसमें नहीं किया गया। क्या मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लेने के लिए समय से पहले जबरदस्ती जो है इस पुल का उद्घाटन करा पाए, बल्कि ये पुल तैयार नहीं हो पाए। अब 8-8 साल लग रहे हैं पुल को तैयार करने में, उसमें भी ठीक से पुल तैयार नहीं हो रहा। अब ठीक चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल उद्घाटन करना है, इसलिए ये पुल को जो है तैयार किया गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई। आवागमन जो है वो चालू हो गई थी क्योंकि पुल का उद्घाटन हो गया था। इस हादसे में अगर गाड़ी वगैरह जो है गिर उड़ जाती, जान माल का नुकसान होता, तो इसका दोषी कौन है? और ये कॉन्ट्रैक्टर को तो सबसे पहले जो वशिष्ठा जो कंपनी है, इसको हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है अविलंब तुरंत जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए, और साथ ही साथ जो 264 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में भेंट में चढ़ गया नीतीश जी के नाम पे, उसकी रिकवरी इस कंपनी से की जाए। अब ये तो 8 साल लग गया पुल बनने में, अब जो टूटा ठीक 29 दिन में ही, तो अब कब तक ये तैयार हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी इसका जवाबदेही तय होनी चाहिए। आश्चर्य की बात ये है कि जितने भी घोटाले होते हैं, जब भी बांध टूटता है, चूहा खा जाता है या पुल टूटते हैं, तो जवाबदेही किसी पे भी तय नहीं की जाती।
केवल जो है छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बड़े मछलियां हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता है। और इस वजह से ऐसी घटनाएं जो है लगातार होती रही। अब ये तो एक ट्रेडिशन बन गया है, एक ट्रेंड हो गया है कि भाई नीतीश जी के राज में इस प्रकार का काम होगा। बांध बनेगा तो वो भी टूट जाएगा उद्घाटन से पहले, पुल बनेगा तो वो भी कुछ दिनों में टूट जाएगा। कई बार हम लोगों ने लगातार आवाज उठा है कि इस पे तो जो लोग हैं दोषी उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये जांच का विषय है, लेकिन जांच होता भी है तो लटका रहता है। ऐसे कितने मामले हैं जांच जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उसको लटका दिया जाता है। इससे होता क्या है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनका मनोबल जो है वो ऊंचा होता है। और लगातार जो है बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग तो विपक्ष के नाते लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को, भले ही क्वारंटाइन है, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि 55 घोटाले हुए 15 साल में, बांध टूट गया, आपने उद्घाटन किया, आप कहते हैं विकास की गंगा बहा दी, ऐसा लग रहा है पूरे बिहार में विनाश का गंगा बह रहा है, हर तरीके से बिहार जो है हाहाकार कर रहा है, चाहे कोविड को लेकर के हो, कोरोना को लेकर के हो, बाढ़ को लेकर के हो, बांध को लेकर के हो, पुल को लेकर के हो, या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, शिक्षा चिकित्सा तो पहले से ही बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री क्यों नहीं सामने आकर के प्रेस या मीडिया या जनता के बीच जाकर के स्पष्टीकरण करते हैं? बड़ी अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी जो है नेगेटिव आए हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही प्रेस को संबोधित कर करके इसकी बात बताएं कि कोविड को आप कैसे हैंडल कीजिएगा जो महामारी फैलती जा रही है। और ये बांध जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का साथ में ये 70 घाट जो पूर्ण टूटा, इसका दोषी कौन है, गुनाहगार कौन है? हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो ही बना करके जो है लोगों के सामने रखें, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको मैंडेट दिया था, महागठबंधन को दिया था। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से वो चले गए, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेही उनकी बनती है और उनको स्पष्ट करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बिहार के 12-13 करोड़ जो जनता है उनको सामने आकर के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।